आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज। बिजनौर में डाकघर में लोगों का पैसा गबन करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया। तो वहीं डाकघर में 215 में गरीब जनता का लाखों रुपया उप डाकघर का डाकपाल ही डकार गया। तो डाक विभाग ने मामले को संज्ञान में लेकर मामले की पड़ताल शुरू की है। तो आरोपी डाकपाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। तो डाकपाल बीते 3 सालों से फरार है, जिसमें जनता खासा परेशान है। ये एक हमारा पोस्ट ऑफिस है नजीबाबाद तहसील में, इसमें ये सिंगल हैंड पोस्ट ऑफिस है, एक ही आदमी काम करता था। तो उसने जो है फर्जी विड्राल वगैरह करके और भी कुछ TD जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें भी फ्रॉड किया है, कुछ RD के अकाउंट थे तो उसमें उसने फ्रॉड किया। उसका तो पता कुछ नहीं चल रहा है, FIR वगैरह कराई जा चुकी है काफ़ी पहले, लेकिन पुलिस से अभी रिपोर्ट हमें मिली नहीं है कि वो भाई साहब। बिजनौरा के सिहारे में आयोजित समाधान दिवस में कमिश्नर व DIG ने पहुंचकर लोगों की समस्याओं को जाना, साथ ही लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसी के साथ CO थाना प्रभारी व राजस्व कर्मी भी मौके पर थे। बिजनौर के चांदपुर में अज्ञात दबंगों ने युवक की जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने पशु बांधना शुरू कर दिया। तो वहीं जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसको जान से मारने की धमकी दी गई, साथ ही उसको मारा भी गया, जिसमें पीड़ित ने DM से दबंगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बिजनौर के नजीबाबाद में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं। तो लोगों के घरों व दुकानों में पानी घुस गया है, जिसके चलते कई इलाकों में खासा नुकसान हुआ है। बिजनौर में चोटी कटने की घटना सामने आई, जहां धामपुर में महिला की चोटी काट ली गई। तो वहीं घटना के बाद से इलाके में दहशत है, साथ ही पीड़ितों का कहना है कि जब वे लोग रात में सोए हुए थे तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। जालौन के केथवा गांव में 12 वर्षीय छात्रा की चोटी काटने का मामला सामने आया, तो गांव में दहशत फैल गई। तो बताते हैं कि लड़की दोपहर में घर में सो रही थी, जिसके बाद उसकी चोटी कट गई। वहीं पुलिस ने भी मामले की जानकारी ली है, तो पड़ताल जारी है। एक बच्ची है 12 साल की, कक्षा 6 की छात्रा है, कैथवा गांव है कुठान थाना क्षेत्र में। उसके बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि उसके बाल कट गए हैं। उसमें मैंने एक उप निरीक्षक को जांच के लिए भेजा था, तो ये ज्ञात हुआ है कि करीब जो उसने चोटी बांध रखी थी तो उसके अंत का हिस्सा थोड़ा सा उसका गिर गया, तो वहाँ पर करीब 3-4 इंच का होगा, बाल का गुच्छा नुमा है। तो बरसात में तो वैसे भी बाल गिरने की शिकायत रहती है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बाल उसका कटा नहीं है बल्कि गिरा ही है। और उनके अभिभावक से भी मेरी बातचीत हुई है, तो इसमें कोई ऐसी कोई सुपर नेचुरल चीज़ों की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब अफवाह है। हो सकता है जो रबर बैंड इस्तेमाल करते हैं उस रबर बैंड में कोई कमी हो या कुछ केमिकल मिला हो, तो इसके लिए हमने वहाँ जो उसका रबर बैंड मिला है उसको प्रिजर्व भी करा दिया है। उनके पेरेंट्स को बताया है कि इसको आप रखे रहिए, आवश्यकता पड़ेगी तो जांच करेंगे, लेकिन इसमें अफवाह ज़्यादा है और सच्चाई कम है। बाल गिरना तो एक बहुत नेचुरल प्रक्रिया है, बरसात के समय में ऐसा होता है। सरकार द्वारा TET अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू न होने के बाद TET पास अभ्यर्थियों ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो बेसिक शिक्षा विभाग के बाहर प्रदर्शन किया, इस दौरान सैकड़ों की तादाद में BEd TET अभ्यर्थी यहां पहुंच गए। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा। मायावती सरकार थी, उन्होंने विज्ञापन जारी किया, हम लोगों ने उसमें अप्लाई किया। उसके बाद ये हो गया कि ये टेट मेरिट से भर्ती होगी। सरकार चली गई, अखिलेश सरकार आई, उन्होंने दोबारा विज्ञापन जारी कर दिया। उसमें हम लोगों ने हर जिले से फॉर्म भरा, लाइनें लगी। अखिलेश सरकार को ये नोटबंदी वाली लाइनें तो दिखाई दी, उसमें जो मरा उसको 2 लाख रुपया दिया गया। हम लोगों की लाइन में जितने मरे उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद ये शिक्षा मित्र, मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रही हूँ, उनको भी सरकार ने बलि का बकरा बनाया है। जो उनके पास योग्यता ही नहीं थी, ये BEd की और BTC की मान्यता क्यों सरकार बांट रही है जब हम लोगों को नौकरी नहीं दे सकती? TET उनकी बताई हुई परीक्षा थी, मैंने पास की, हम सभी लोगों ने पास की, BEd एंट्रेंस से पास किया। हम लोग योग्य होते हुए सरकार को नहीं दिखाई दे रहे हो, जबकि अयोग्यों को तुम शिक्षक बना रहे हो। हमारी मांग है कि जितने भी TET पास हैं, BEd TET पास हैं, उनको पूर्णतः समायोजित किया जाए, चाहे वो याची हो या वो 2011 के विज्ञापन वाले हों या 2012 के विज्ञापन वाले हों, सभी लोगों को समायोजित किया जाना चाहिए।
कोडरमा के बहराडी में सैकड़ों भक्तों ने जल यात्रा का शुभारंभ किया, तो वहीं मुखिया ने नदी से जल उठाकर गाजी बाजे के साथ इस यात्रा का आरंभ किया। बवासीर का पक्का इलाज खूनी हो या बादी, एक ही टीके में गारंटी के साथ जड़ से खत्म। बवासीर का इलाज अब बिना ऑपरेशन सफलतापूर्वक इंजेक्शन द्वारा कराया जाता है। डॉक्टर एएम त्यागी, संपर्क करें 9758415216 9412803030 MSC क्लिनिक, कमालपुर रोड, गोकुलपुर गर्ल रोड, मेरठ।